जय माता दी। वेलकम बैक टू सोनिका किचन। आप जब भी इस रेसिपी को बनाएं तो बताइएगा ये रेसिपी आपको करेले की सब्जी की कैसे लगी। आज मैं आप लोग की लाई हूँ करेले की सब्जी की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी और ये रेसिपी ऐसे बनेगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो गाइज, ये मैंने आधा किलो करेले लिए हैं। करेले हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो गाइज, अब हम पहले करेले के छिक्कल छील लेते हैं। और छिक्कल आपको जो है करेले के कैसे उतारने हैं, जो इसकी स्किन है आपको, यानी कैसे उतारनी है आपको, ऐसे ऐसे नहीं उतारनी है, वो टेस्ट नहीं आएगा। तो ये देखिए, करेले के छिक्कल को हम ऐसे उतारेंगे, ऐसे। तो आपको करेले के छिक्कल बिल्कुल ऐसे ही उतारने हैं जैसे कि मैं उतार रही हूँ, तभी बहुत टेस्ट आएगा। और इस छिक्कल को हमें फेंकना नहीं है, ये छिक्कल भी जो है करेले की सब्जी में यूज होंगे। ये छिक्कल बहुत ही फायदेमंद होते हैं। करेले को हम एक साइड से थोड़ा सा काट देंगे, इसे हम अलग कर देंगे। और ये देखिए, करेले को ऐसे ही हमें छीलना है। तो ये देखिए, करेले जो है हमने अच्छे से छील लिए हैं और ये छिक्कल भी आप देख रहे होंगे। आप कभी भी करेले की सब्जी बनाएं, छिक्कल को बिल्कुल स्किप मत करिए, जरूर सब्जी में ऐड करिए, तभी करेले की सब्जी का स्वाद आता है। तो ये देखिए, करेले को आप सब्जी बनाने के लिए किसी भी शेप में काट सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ लंबाई की शेप में काट रही हूँ। तो ये देखिए, हर करेले के हम दो पीस कर देंगे ऐसे। तो ये देखिए, करेलों को जो है मैंने दो दो पीस कर दिए हैं। तो ये देखिए, करेले के बीच में से हम एक कट लगा देंगे ऐसे। करेले को छीलने से पहले मैंने अच्छे से इसे साफ पानी में वॉश कर लिया था। 1 टीस्पून इसमें करेले में नमक ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून छिक्कल में भी ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून इसमें भी हल्दी ऐड कर देंगे। नमक हल्दी को सिर्फ करेलों में जो कड़वापन होता है उसे कम करने के लिए यूज किया जाता है, तो इसलिए हम पहले से इसे लगा कर रख देंगे नमक और हल्दी को, और इसको भी जो है हाथों से मिक्स कर देंगे। हमें अच्छे से मिक्स करना है जिससे इसमें से कड़वापन जो है निकल जाए, छिक्कल में से भी और करेलों में से भी। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। करेलों का कड़वापन दूर करने के लिए आधे से एक घंटा करेलों को ऐसे ही रखे रहने देंगे। तो ये देखिए गाइस, एक घंटा हो चुका है करेलों को। अब इसमें हम पानी डाल देंगे और इसे धो लेंगे। हमें करेलों को अच्छे से धोने के बाद ही फ्राई करना है। जब हम करेलों को अच्छे से धो लेंगे तो इसे छन्नी में डालेंगे, जिससे इसमें से जो पानी होगा करेलों में से वो निकल जाएगा और फ्राई करते समय ऑयल की छींटे नहीं आएंगी। तो इसे देखिए, अच्छे से धो लेंगे और इसे एक छन्नी में डाल देंगे। तो ये देखिए गाइस, करेले को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इस पानी को हम फेंक देंगे। तो ये देखिए, जो करेलों के छिक्कल थे वो मैंने छन्नी में डाल दिए हैं। अब छिक्कल को भी हम पानी से धो लेंगे अच्छे से, और अब छन्नी को हम दूसरे बर्तन में रख देंगे जिससे पानी जो है अच्छे से स्ट्रेन हो जाए। तो ये देखिए, गैस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है एल्युमिनियम की। आप चाहें तो लोहे की कढ़ाई में भी बना सकते हैं। लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बट मैंने एल्युमिनियम की कढ़ाई का यूज कर रही हूँ। अब इसमें हम सरसों का तेल ऐड कर देंगे। करेले की सब्जी सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है, इसलिए हम करेले जो है सरसों के तेल में ही बनाएंगे। सरसों के तेल में करेले जो है बहुत टेस्टी बनते हैं। अब तेल को हम पहले गरम कर लेंगे। ये एक गिलास मैंने दूध लिया है, जो फ्रिज से निकाल के अभी मैंने किचन में रख लिया है और करेले बनाने से पहले ही रख लिया है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये एक गिलास दूध मैंने अभी क्यों निकाल के रखा है करेले की सब्जी बनाने से पहले, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये देखिए, तेल जो है गरम हो चुका है। अब इसमें सारे करेले डाल देंगे जो हमने छन्नी में रखे हुए थे। अब करेलों को जो है हम मीडियम टू लो फ्लेम पर हल्के हल्के फ्राई कर लेंगे, जब तक इनका कलर जो है हल्का हल्का ब्राउन नहीं हो जाता, और इसे जो है बीच बीच में हम स्टर करते रहेंगे। जब तक करेलों का कलर हल्का हल्का ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक हम इसे बीच बीच में स्टर करते रहेंगे। इसलिए आप जब भी करेलों को धोएं, एक छन्नी में पहले से ही डाल के रख दें, जो पानी है वो छन्नी से सारा स्ट्रेन हो जाए। तो ये देखिए, करेले जो है अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे ऑयल से, और फ्लेम को जो है अब हम लो कर देंगे। और ये जो करेले बचे हैं उसे भी हम निकाल लेते हैं। ये मैंने 2 प्याज काटे थे बड़े, उसे हम फ्राई कर लेंगे।
इन दो प्याजों को जो है मैंने देखिए मोटे स्लाइस में ही काटा है। प्याजों को जो है हम हल्के हल्के लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तेल हम जो है थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे, जिससे कि करेले, प्याज और जो आगे चीज़ें ऐड करेंगे इसमें अच्छे से फ्राई हो जाए। तो देखिए प्याज का कलर भी जो है लाइट ब्राउन होने लगा है। अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, ये मैंने मोटी वाली हरी मिर्च ली है उसे ऐड कर देंगे बीच में अब, और इसे मिक्स कर देंगे। जब प्याज हल्का हल्का ब्राउन होने लगे तो मोटी वाली हरी मिर्च ऐड कर देंगे। आप चाहें तो जो छोटी वाली पतली वाली हरी मिर्च आती है उसे भी ऐड कर सकते हैं। यदि आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये जो मोटी वाली मिर्च होती है ना ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है, इसलिए मैंने इसे करेलों की सब्जी में ऐड किया है। तो ये देखिए प्याज के साथ जो है मिर्चें भी हल्के हल्के फ्राई हो चुकी हैं। अब इस स्टेज पर हम प्याज और हरी मिर्च को निकाल लेंगे। हमें प्याज को ज़्यादा लाल नहीं करना है, खाली हल्का हल्का ही ब्राउन करना है। ये हरी मिर्चें तीखी नहीं होती लेकिन बहुत टेस्टी लगती हैं, करेले की सब्जी में डालिए तो आप बहुत अच्छी लगेंगी। तो ये देखिए ये मैंने आलू लिया है और आलू को जो है मैंने ऐसे चौड़े चौड़े स्लाइस में काटा है। आप कोई सी भी शेप जो है आलू की दे सकते हैं, जिसे हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से। आलू ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं यदि आप नहीं खाते हैं तो। अब आलू को भी हम हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे गोल्डन होने तक। तो ये देखिए आलू जो है गोल्डन कलर के हो गए हैं। अब इस स्टेज पर हम आलूओं को निकाल लेंगे। तो ये देखिए जो छोटे छोटे आलू थे ना वो जल्दी गोल्डन हो गए हैं, इसे हम निकाल लेंगे। यदि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये देखिए आलूओं को अब हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए सारी चीजें हमने फ्राई करके निकाल ली हैं। अब हम क्या करेंगे, तेल जो है ये थोड़ा ज्यादा है, इसमें से अब हम थोड़ा तेल निकाल लेंगे और जो निकाला हुआ तेल होगा उसे हम दूसरी सब्जी में ऐड कर देंगे। तेल जो है अभी गर्म है, अब हम इसे जो है किसी स्टील के बर्तन में निकालेंगे। यदि आप किसी प्लास्टिक के उसमें निकालेंगे तो वो प्लास्टिक जो है मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि तेल जो है बहुत गर्म है। तो हमें जितना तेल चाहिए उसे हम कढ़ाई में रहने देंगे। 2 टेबल स्पून जितना ऑयल जो है हम कढ़ाई में रहने देंगे। अब करेले के छिलकों को भी जो है हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे। छिकल डालते समय आप फ्लेम को लो ही रखिएगा, चाहे आप करेले ऐड करें चाहे आलू फ्राई करने के लिए डालें, फ्लेम को जरूर लो करके ही उसमें तेल में ऐड करिएगा। कच्ची अम्मी का सीजन चल रहा है तो अम्मी तो ऐड करना बनता ही है, तो इसमें मैंने एक अम्मी ग्रेट कर ली थी उसे अब हम डाल देंगे इसमें, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी। क्योंकि अम्मियों का सीजन है और करेले में तो अम्मी डालना बनता ही है, जिससे टेस्ट आएगा। और जो इसमें हमने हरी मिर्ची ऐड करी हैं ये करेले बहुत ही बढ़िया बनने वाले हैं। और करेले के छिक्कल और अम्मियाँ को हम एक ही साथ फ्राई कर लेंगे हल्का हल्का। छिलके को हम इसलिए फ्राई करते हैं और जिन्हें डायबिटिक है उनके लिए सब्जी बहुत ही फायदेमंद होती है। तो इसको जो है मैं हाई फ्लेम पर ही हल्के हल्के फ्राई कर रही हूँ। मैंने पहले भी तुरई की सब्जी की रेसिपी डाली थी कि मलाईदार तुरई की सब्जी, जो कि वाकई खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप ये सब्जियाँ घर में हर तरीके से बना सकते हैं और बच्चों और बड़ों को खिला सकते हैं, क्योंकि हरी सब्जी आप जरूरी नहीं कि बड़े भी खाएं या बच्चे ही नहीं खा रहे हैं, बड़े भी नहीं खाते हैं। इसलिए आप हमेशा सब्जी को इस ट्रिक से बनाएं जिससे कि बड़े बच्चे सब खा लें घर में। तो ये देखिए करेले के छिलकों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। ये देखिए मैं पास से दिखाती हूँ आपको। इस स्टेज पर हम सारी चीज़ों को जो है मिक्स कर देंगे। अब इस सब्जी को जो है हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें 2 टीस्पून जितना नमक ऐड कर देंगे, अपने स्वाद के अनुसार ही हमें नमक ऐड करना है। 1 टीस्पून जितनी हल्दी ऐड कर देंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। 1 टीस्पून जितना रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे, ये अपने टेस्ट के अनुसार ही ऐड करिएगा। यदि आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो आप कम ही ऐड करिएगा। 2 टेबल स्पून जितनी मैं इसमें सौंफ ऐड कर दूंगी, जो कि मैंने घर में ही क्रश करके पीसी थी, जो कि करेले में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। 1 टेबल स्पून अमचूर ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून जितना इसमें सूखा धनिया ऐड कर देंगे, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। आप ये सूखे मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन सब मसालों को हम मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए सूखे मसालों को जो है मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है।
अब जो मेन मैंने आपको बताया था कि दूध का मैंने एक ग्लास निकाला है फ्रिज से, तो वो करेले बनाने से पहले क्यों निकाला है? तो पहले तो मैं ये बताती हूँ कि इसमें एक दूध का ग्लास ऐड कर देंगे और दूध को जो है हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो दूध देख रहे होंगे आप कि मैंने पहले क्यों निकाला। दूध मैंने फ्रिज से पहले इसलिए निकाला था जिससे दूध जो है रूम टेम्परेचर पे आ जाए। यदि मैं फ्रिज से निकाल के एकदम गरम सब्जी में डाल देंगे तो दूध जो है फट जाएगा, इसलिए मैंने दूध जो है पहले ही एक गिलास निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख दिया था जिससे दूध का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाएगा और दूध करेलों में नहीं फटेगा। यदि आप किसी भी सब्जी में दूध ऐड करती हैं तो उसे पहले निकाल के किचन में रख लें जिससे दूध जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। तो आप मेरी इस ट्रिक को हर सब्जी में जिसमें दूध ऐड करना है जरूर इस ट्रिक को फॉलो करिएगा, तो दूध जो है सब्जी में बिल्कुल नहीं फटेगा। तो आप देख ही रहे होंगे करेले हमारे कितने बढ़िया लग रहे हैं दिखने में। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, ये करेले की सब्जी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो ये देखिए एक बॉल जो छोटा बॉल था ये मैंने मलाई भी पहले से निकाल के रखी थी उसे हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया ऐड कर देंगे। तो अब इसको मिक्स कर देंगे। तो देखिए हमने इसमें दूध भी ऐड किया है, मलाई भी ऐड करी है, तो करेलों में कड़वापन कहाँ से रहेगा? तो इसीलिए आप इसी ट्रिक से करेले बनाएं जिसमें बिल्कुल भी कड़वापन नहीं आएगा और ये करेले इतने मलाईदार और इतने बढ़िया लगेंगे ना आपको कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ये करेले की सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती है। आप इसमें दूध मलाई ऐड करें, बिल्कुल कड़वापन खत्म हो जाता है करेलों का। जब यदि हम फ्राई करके डालते हैं तो और भी खत्म हो जाता है। तो ये देखिए हमारे करेले की सब्जी जो है बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, मैं गारंटी देती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आप अपने घर में इस रेसिपी को जरूर एंजॉय करिएगा। और आप देख रहे होंगे शक्ल से कि करेले की सब्जी कितनी बढ़िया लग रही है एकदम। दूध और मलाई जो है करेलों में हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और करेले जो है हमारे कितने रसीले और कितने जूसी से लग रहे हैं दिखने में भी। अब हम फ्लेम को जो है लो कर देंगे एकदम और इसे जो है हम ढक देंगे। अब लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट तक हम इसे ढक के रख देंगे जिससे करेले जो सारी सब्जी है अच्छे से ऑयल छोड़ दे, तभी हम फ्लेम को ऑफ करेंगे, लेकिन बीच में देखते रहेंगे। तो अभी हमने इसे लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया है। तो 10 मिनट हो गए हैं लो फ्लेम पर कढ़ाई रखे हुए। अब इसको हम देख लेते हैं गाइस। तो ये तो आप देख रहे होंगे सब्जी ने जो है आसपास ऑयल छोड़ दिया है। तो एक बार करेले की सब्जी को जो है हम हिला देते हैं। सब्जी कितनी बढ़िया लग रही है एकदम, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। करेले की सब्जी देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि मुझे करेले की सब्जी बहुत ही पसंद है। अब इसको क्या करेंगे इस स्टेज पर, हम इसको ढक के रख देंगे। तो करेले की सब्जी वो करते हैं गर्मा गर्म सर्व रोटी के साथ जो कि बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप मेरी इस रेसिपी को जरूर व जरूर ट्राई करिएगा। यकीन मानिए करेले की सब्जी में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी और लाजवाब सब्जी बनी है। यदि पसंद आए तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।